नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव यानी कि भगवान श्री गणेश का जन्मदिन, जिसे गणेशोत्सव के रूप में मनाया जाता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। दोस्तों इस दिन को पत्थर चतुर्थी और कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन के चांद को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर किसी ने चांद देख लिया तो उस पर झूठा आरोप लगता है, इसी वजह से इसे कलंक चतुर्थी कहते हैं। और दोस्तों इसीलिए इस दिन जो है चौथ के चांद को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, और अगर आपने देख लिया तो या तो आप तुरंत एक उपाय कर सकते हैं कि उस समय आप पैसों की खनक कर सकते हैं, चाबी की आवाज़ कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई उपाय तुरंत ही किया जाए तो ये कलंक हट जाता है, लेकिन अगर आपने नहीं किया और आपने चांद देख लिया है तो इसे दूर करने का एक उपाय होता है, एक मंत्र होता है। दोस्तों इसके लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, और अगर आपने भूल से चांद देख लिया हो तो इस उपाय को आप आजमा कर उस कलंक से बच सकते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम गणेश चतुर्थी की। इस चतुर्थी के त्यौहार को मनाने के लिए भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को लाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से स्थापना की जाती है, और पूरे 10 दिन तक बड़े धूमधाम से जोश के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना आरती इत्यादि की जाती है, और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश की इस प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। दोस्तों आप अगर मूर्ति लाएं तो एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि आप जो मूर्ति लाएं वो मिट्टी से ही बनी हुई हो, क्योंकि पार्थिव श्री गणेश की मूर्ति मिट्टी से ही बननी चाहिए, ताकि वह जब विसर्जित की जाए तो वापस जल में सन्निहित हो जाए, अब वापस मिट्टी में मिल जाए। और इसके साथ ही दोस्तों गणेश चतुर्थी के दिन की जो प्रतिमा है उसको चयन करने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी बातें जिनका आपने विशेष ख्याल रखना है। दोस्तों मूर्ति लाने के पहले आपने इसको जरूर से जान लेना है कि आपने किस तरह की मूर्ति लानी है, और मूर्ति के चयन में आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ कि बाजार में आप देखेंगे तो कई तरह की मूर्तियां आपको नज़र आएंगी, जिसमें भगवान श्री गणेश खड़ी मुद्रा में, किसी में बैठे हुए हैं, तो ये अलग अलग मुद्राओं में आपको मिलेंगे, कहीं पे मृदंग बजाते हुए, कहीं डांसिंग मुद्रा में है। लेकिन दोस्तों आपने जो मूर्ति का चयन करना है वो बैठे हुए किसी सिंहासन पर, किसी आसन पर बैठे हुए श्री गणेश की मूर्ति का ही आपने चयन करना है, खड़ी मूर्ति का आपने चयन नहीं करना है। किसी प्रतिष्ठान या दुकान या ऑफिस के लिए आप खड़े गणेशपति या गणपति का चयन कर सकते हैं, उसमें भी आप ख्याल रखें कि उसमें भगवान श्री गणेश आशीर्वाद देते हुए हो, उनके चरण जो है, उनके पैर जो है वो धरती को छूते हुए हो। इस तरह की मूर्ति आप दुकान के लिए ला सकते हैं, लेकिन घर के लिए आपको बैठे हुए विराजमान स्वरूप में ही श्री गणेश जी की मूर्ति का चयन करना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों मूर्ति का रंग। आप देखेंगे गणपति बहुत अलग अलग रंगों में जो है मूर्तियाँ मिल जाती हैं मार्केट में, लेकिन आपने जो चयन करना है वो या तो वाइट कलर की मूर्ति हो या फिर केसरिया रंग की मूर्ति हो, उसी का आपने चयन करना है दोस्तों, क्योंकि आपने काले रंग की मूर्ति का चयन बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों मूर्ति जो मूर्ति का स्वरूप रहे वो मुस्कुराता हुआ रहे, हंसमुख मूर्ति हो, जिसको देख कर आपके मन में खुशी आए, ऐसी मूर्ति का चयन आपने करना है, क्योंकि जो सुख और सौभाग्य के लिए श्वेत रंग की मूर्ति का चयन किया जाता है, कि और जबकि सर्व मंगल कामना के लिए, अपने मन के मुरादों की पूर्ति के लिए, जीवन की हर कामना को पूर्ति करने के लिए भगवान श्री गणेश की ऑरेंज कलर की केसरिया रंग की जो मूर्ति है उसका चयन किया जाता है। दोस्तों अगली चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो है मुकुट या फिर पगड़ी। भगवान श्री गणेश की जो भी मूर्ति का आप चयन करें उसमें भगवान श्री गणेश के सर पे मुकुट हो या पगड़ी, जिसे मराठी में फेटा भी बोलते हैं, वो पहने हुए होनी चाहिए। उनका मुकुट यानी कि किसी न किसी चीज़ से उनका सर जो है वो कवर रहना चाहिए, वो चाहे मुकुट हो चाहे पगड़ी, लेकिन कुछ न कुछ सर पर अवश्य हो, ऐसी ही मूर्ति आपने लानी है। दोस्तों ऐसी मूर्ति जो सुख और सौभाग्य की निशानी है, ऐश्वर्य की निशानी है, ऐसी मूर्ति की स्थापना करने से आपके घर में ऐश्वर्य की जो है वो वृद्धि होगी।
चौथी चीज है दोस्तों जिसका आपने ख्याल रखना है, जिसको आपने देखना है, वो है भगवान श्री गणेश की सूंड। दोस्तों आप देखेंगे कभी कभी किसी मूर्ति में भगवान श्री गणेश की जो सूंड है वो दाहिनी तरफ मुड़ी हुई होती है, किसी में बाई तरफ। तो ये प्रश्न उठता है कि कौन सी तरफ की जो सूंड है वो ज्यादा सही रहती है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ कि सूंड चाहे दाहिनी तरफ हो चाहे बाई तरफ, दोनों ही शुभ होती है, बशर्ते आप किसकी पूजा कर सकते हैं आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों जो दाहिनी तरफ मुड़ी हुई जो सूंड की गणपति होने उन्हें हट्टी गणपति कहा जाता है, उन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है और उनकी पूजा के नियम काफी कठोर होते हैं। जन साधारण के लिए उनको फॉलो करना आसान नहीं होता क्योंकि उनकी पूजा के लिए रेशमी श्वेत वस्त्र पहनना जरूरी होता है, जनेऊ धारण करना जरूरी होता है और एक फिक्स टाइम पे पूजा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बड़े ही कठोर नियम के साथ में पूजा करनी होती है, कहीं बाहर का जो अन्न उस व्यक्ति को नहीं खाना होता है जो कि इस तरह की मूर्ति की स्थापना और पूजा का नियम लेते हैं। तो ऐसे कई और भी नियम है जो दाहिनी तरफ के सूंड के गणपति यानी कि सिद्धि विनायक की पूजा के लिए जरूरी होते हैं। इसके विपरीत जो बाईं तरफ की जो सूंड वाले गणपति होते हैं उनकी पूजा के नियम बहुत ही साधारण बहुत ही सरल से होते हैं जो कि आम आदमी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो इसीलिए बाईं तरफ के जो गणपति हैं बाईं तरफ मुड़ी हुई जो सूंड वाले गणपति जिन्हें की वक्र तुंड कहा जाता है वही जन सामान्य के लिए उपयुक्त होते हैं। उनकी पूजा हम आसानी से पंचोपचार पूजा के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। पांचवी चीज जो आपने देखनी है मूर्ति में वो ये कि भगवान श्री गणेश के साथ में उनकी सवारी मूषक अवश्य ही होने चाहिए, या तो मूषक में विराजमान हो या मूषक उनके साथ में पास में बैठे हों, वो मोर पे बैठे हो या किसी और पक्षी के साथ हो, तो वह मूर्ति आपने नहीं लानी, मूषक के साथ वाली मूर्ति लानी है। और साथ में भगवान श्री गणेश के हाथ में उनके प्रिय भोग मोदक अवश्य ही होने चाहिए। और साथ ही दोस्तों आपने ये ध्यान रखना है कि भगवान श्री गणेश किसी सिंहासन पर किसी आसन के ऊपर विराजमान हो, ऐसी मूर्ति का चयन करना है। इन पांच बातों के अलावा दोस्तों कुछ और जरूरी चीजें हैं, वो ये कि मूर्ति बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में खंडित मूर्ति की पूजा करना वर्जित माना गया है। दोस्तों इसलिए आपने विशेष कर ख्याल रखना है, चेक कर लेना है कि मूर्ति जो हो कहीं से भी खंडित नहीं हो, और मूर्ति मिट्टी की बनी हो, गोबर की बनी हुई या हल्दी की बनी हुई मूर्ति की ही पूजा करनी है आपने। प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य जो केमिकल से बनी हुई मूर्तियां यानी अलग अलग चीजों से बनी हुई मूर्तियां मार्केट में आती हैं जो कि जब जल में उनका विसर्जन करवाया जाता है तो विसर्जित नहीं हो पाती है, ऐसी मूर्तियों का आपने प्रयोग नहीं करना है। आपने इको फ्रेंडली मूर्ति का ही यूज करना है। आप चाहे तो खुद भी मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाकर भी स्थापना कर सकते हैं, अन्यथा मार्केट में आजकल इतने सारे ऑप्शन हैं, आपको जैसी मूर्ति चाहिए वैसी मूर्ति आपको मिल जाएगी, जिस साइज में चाहिए उस साइज में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जब भी आप परचेस करने जाएं तो मूर्ति के दाम के लिए आप भावताव ना करें, जो भी मूर्ति के प्राइस हो आप उनको बिल्कुल खुशी खुशी पे करें, आपका जितना बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है मूर्ति का चयन कर लें। लेकिन लेते वक्त आप भावताप नहीं करें, बड़े प्रसन्न मन के साथ आपने मूर्ति को घर लेके आना है। उसके साथ ही दोस्तों आपने पूजा में पूरे ही मन और आस्था के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी है। और साथ दोस्तों एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि आप भोग लगाते वक्त नॉर्मली जैसे हमें आदत ही होती है कि जिस भी भगवान को भोग लगाना है तो तुलसी पत्र डालकर ही लगाना है, तो आदतन हम भोग में तुलसी पत्र रख देते हैं, लेकिन भगवान श्री गणेश और भगवान भोलेनाथ इन दोनों की पूजा में आपने तुलसी पत्र का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना है। आपने बिना तुलसी पत्र डाले पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान श्री गणेश को भोग लगाना और 10 दिन तक पूरे तन मन से भगवान श्री गणेश की आराधना करनी है, पूजा अर्चना करनी है। दोस्तों जो भी व्यक्ति पूरी आस्था और मन से भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करते हैं उनकी हर मुराद जो है वो भगवान श्री गणेश पूरी करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप मूर्ति लाने जाएं उसके पहले इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए आप अपने घर के लिए भगवान श्री गणेश की मूर्ति का चयन करें। तो उम्मीद दोस्तों ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी रहेगी।
ऐसी मेरी आशा है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए ताकि इस जानकारी का फ़ायदा आपके फ्रेंड्स सर्कल सभी लोगों को मिल सके। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने अपना देश चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। आप सभी को भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।